पैसे खर्च किए हैं और ये बहुत सैड बात है। बुरा खेले हैं, बहुत बुरी बैटिंग की है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, हालांकि मैच पूरा हमारे हाथ में था। मैच अच्छा नहीं खेले और बैटिंग लाइन अप क्यों ना ड्रॉप कर जाती है इंपॉर्टेंट मैचेस में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्मेंस दी है जिस तरह के गली मोहल्ले वालों की क्रिकेट होती है। मैं हूँ कि पाकिस्तान टीम इतनी भी कमजोर हो सकती है कि 120 रन को वो चेज नहीं कर सकती, कितनी मरात देती है। इब्रतनाक शिकस्त, ऑपरेशन क्लीन अप मस्ट। चेयरमैन पीसीबी ने टीम की बड़ी सर्जरी का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, सब पता है टीम में क्या चल रहा है, लगता था छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, हार के बाद यकीन हो गया टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, वक्त आ गया बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। कौमी टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है, अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करेंगे। भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त, शायकीन एक क्रिकेट भी फट पड़े, कुछ ने कैमरों के सामने और कुछ ने सोशल मीडिया पर दिल की भड़ास निकाली। ऐसे खेलोगे तो ऐसे ही हारोगे, बॉलिंग चली तो बैटर्स के हाथ पांव फूल गए, तेज तरीन फॉर्मेट की सुस्त तरीन बैटिंग, कौमी बैटर्स ने T20 को टेस्ट मैच बना लिया, 120 गेंदों पर 120 रन ना बन पाए, डॉट बॉल्स की भरमार, पूरी टीम ने 59 गेंदों पर एक भी रन ना बनाया, 6 ओवर में एक बाउंड्री ना लगी, कौमी बैटर्स तो जैसे खेलना भूल गए, किंग बाबर आजम तो डर कर ही विकेट दे गए, उस्मान खान को दुबई से बुलवाया मगर कुछ काम ना आया, क्रीज पर ठहरने के चक्कर में रिजवान भी सिर्फ बल्ला घुमाते रहे, फखर जमान को जाने क्यों पवेलियन लौटने की जल्दी थी, शादाब को आउट होता देखकर भारतीय बॉलर खुद भी परेशान, इमाद वसीम से हिट लगी। पाक भारत मैच में नसीम शाह की शानदार परफॉर्मेंस, 4 ओवर्स में 21 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, कोहली को 4 रन पर कैच कराया, फिर अक्षर पटेल और शुभम दुबे को आउट करके मिडिल ऑर्डर को तबाह कर दिया। मैच के आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर 10 रन बनाए, मगर अकेले नसीम शाह और क्या करते, मैच ना जितवा पाने पर रो पड़े। कौमी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर वसीम अकरम भी फट पड़े, कहते हैं पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं, ये खुद ही बहुत है, अब वक्त आ गया है कि नई टीम बनाई जाए। उधर मेगा इवेंट के शुरू में ही ग्रीन शर्ट्स का सफर अगर मगर का शिकार, 2 मैच हारने के बाद सुपर 8 तक रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर, पाकिस्तान को अगले मरहले में रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमरीका का दोनों मैच हारना लाजिम। शराय सूद में 1.5% कमी, 20.5% मुकरर, स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के दौरान अफराते जर 11.8% रही, माहरीन मौशियत का कहना है महंगाई बढ़ेगी, मीडियम अहदाफ भी हासिल होंगे, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तसादी जायजा कल पेश करेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उनका ये था कि 1.5 मिलियन 15 लाख टन सरप्लस पड़ा हुआ, लेकिन हमारे जो भी है, लेकिन हमें वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हमने इनिशियली 1.5 लाख की इजाज़त दी है, 1.5 लाख टन की, कि प्राइस जो है वो स्टेबलाइज रहे, उससे कोई ऐसी प्राइस ना इंक्रीज ना है आम आदमी के लिए, तो विद दिस कंडीशन के अगर प्राइस ये स्टेबल रही, ये 1.5 लाख एक्सपोर्ट करने के बाद तो है मजीद और कर ले। हुकूमत की 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत, शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मंजूरी दे दी, समरी जल्द ECC में पेश की जाएगी। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत, एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, चीनी की कीमतों को हुकूमत खुद मॉनिटर करेगी, चीनी की कीमत में 1 रुपए का भी इजाफा हुआ तो फौरी एक्शन लिया जाएगा, काश्तकारों के वाजिबात 40 अरब रह गए, बरामद से जो पैसा आएगा फौरी अदा कर दिया जाएगा।
आइए नफरत को उम्मीद से बदलें। जनूबी एशिया के दो अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए यह मौका गनीमत जानें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी भारतीय हम मनसब को मुबारकबाद। भारतीय वजीर आजम का तहनियती पैगामात पर शुक्रिया, कहा आपके पैगाम की कदर करता हूँ। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। उधर हिंदू इंतहा पसंद मोदी की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर 70 रुकनी काबीना में एक भी मुसलमान वजीर को शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मोहतसिब आज़म सुलेमान की मुलाकात, सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायात और अजाले के मेकनिज़म पर गुफ्तगु। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुराज़मू। मरियम नवाज का कलर कहर हादसे और आरिफ वाला में 25 मुबैना ज्यादती का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की नून लीग की MNAs की दरख्वास्तें मंजूर, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कमीशन ने अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और पूनम नवाज की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। कमीशन ने केस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। पंजाब असेंबली में शदीद एहतजाज, हंगामा आराई, ऑपोजिशन अराकीन नशिस्तों पर खड़े हुए। वजीर आला और IG पंजाब को आह्वान में बुलाने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के जलसे शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्जाम। राणा आफ्ताब ने कहा हुकूमत हमें ना बोलने दे रही ना रहने दे रही है। राणा शहबाज ने कहा पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही, IG पंजाब से जवाब तलब किया जाए। पंजाब सरकारी मुलाजमीन तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में तमाम हुकूमतों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। XCN से मीटर रीडर तक बिजली चोरी के तरीके खुद सिखाते हैं। बलोचिस्तान में 28,000 ट्रांसफार्मर्स पर कब्जा है। मेरे हल्के फोर्ट मनरो में 90% बिजली चोरी होती थी। 150 मुकदमात के तहत गिरफ्तारियां की, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब्दुल कादिर पटेल का जवाब, बोले फोर्ट मनरो में 150 मुकदमात पर 24 घंटे बिजली मिलती है। कराची में 1,500 मुकदमात दर्ज कर लें मगर 12 घंटे बिजली दे दें। वजीर साहब डंडे का इस्तेमाल करें मगर बिजली तो दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेशन जज को इद्दत निकाह केस का फैसला सुनाने का हुक्म। दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। बानी PTI और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त, कल समाअत के लिए मुकर्रर। PTI रहनुमा उमर अयूब को पुलिस ने पेश ना होने दिया। ATC सरगोधा ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब गिरफ्तार ना हो सके, कारकुन साथ ले गए। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, वॉकआउट। गंदम में इंपोर्ट स्कैंडल की तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सवाल, कहा मैं चोर हूं या नहीं इसका फैसला वक्त करेगा। 25 करोड़ में से कोई भी मुझ पर इल्जाम लगा सकता है। अगर मुल्क में बीज और ऑयल मुयसर हो तो कोई बैरून मुल्क से क्यों मंगवाए। उधर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में गंदम की खरीदारी से मुतालिक केस की समाअत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ज़ाती तौर पर तलब।
मुजफ्फराबाद की अदालत के हुक्म पर शायर अहमद फरहाद जुडिशल रिमांड पर राढ़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत का 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। बाहिफाजत घर वापसी तक अहमद फरहाद जबरी गुमशुदा करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाजियाबी दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 3,500 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। विफाक से 1400 और 100 अरब की सरकारी और निजी शराकत दारी होगी। माशी तरक्की का हदफ 5.1% रखने की मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5 अरब डॉलर रखा गया। इजलास में सालाना प्लान 2024-25 की मंजूरी। पंजाब में हत्या-ए-इज्जत का नया कानून नाफिज। हुकूमत ने पंजाब हत्या-ए-इज्जत एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक घर जाने का नोटिस भेजा जा सकेगा। उधर लाहौर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने हत्या-ए-इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने पर एतराज खत्म। दरख्वास्त में अदालत से हत्या-ए-इज्जत कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। हत्या-ए-इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दुबई में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बिल रोकने के लिए कोशिश की, बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद बिल अस्कुत मंजूर हो जाना था। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं कि हुकूमती इकदाम से आवाम और सहाफी मुतमईन नहीं। उम्मीद थी कि मरियम नवाज सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हत्या-ए-इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। हमारे गवर्नर ने कानून पर दस्तखत नहीं किए। आजादी सहाफत के साथ खड़े। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारड़ का सहाफती तंजीमों को हत्या-ए-इज्जत कानून की हिमायत का मशवरा। कहा हत्या-ए-इज्जत का कानून सबके लिए है। सहाफियों से भी बात हुई है। सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं। कोई भी किसी पर भी किसी भी किस्म का इल्जाम लगा देता है। कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ये कानून लाना जरूरी था। उधर कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है हत्या-ए-इज्जत बिल पर बतौर स्पीकर दस्तखत किए थे। बिल पर दस्तखत ना करने का मेरे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं था। चंद दिन का आराम, गर्मी ने फिर से तेजी पकड़ ली। सिबे 46 डिग्री दर्ज हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। जहलम सरगोता में 44, मुल्तान डीजी खान में 43 डिग्री, लाहौर में पारा 42 और अटक का 43 डिग्री तक चला गया। पीटीएमए ने पूरे हफ्ते के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे में ईद कुर्बान तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। उधर खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बारिश का इम्कान। चित्राल, सवा, दीर, कोहिस्तान और बटग्राम में बादल बरसेंगे। ईद कुर्बान का काउंट डाउन शुरू। शहर शहर जानवरों की बस्तियां आबाद हो गईं। मंडियों में लाखों मवेशी उतर पड़े। खरीदारों के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैल हर तरफ दिखाई देने लगे। कराची की मंडियों में सिब्बी नस्ल के भारी भरकम बैल आ गए।